अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं, और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे जो डिफरेंट डेसिमल नंबर्स गिवन है इस क्वेश्चन नंबर 6 में, वो भी आपको मेंशन नजर आ रहे हैं। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने नीचे दिए गए डिफरेंट डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब यहां पर पहले आपको समझना पड़ेगा कि नंबर लाइन कहते किसको है, नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है, किन चीजों का हमने ख्याल रखना होता है, तभी आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे इन डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए आप देख सकते हैं नीचे एक नंबर लाइन भी ड्रॉ की हुई है, और नीचे आपको एक रूलर का इमेज भी नजर आ रहा है जो कि आपको हेल्प करेगा इस नंबर लाइन को समझने में। तो सबसे पहले याद रखें, नंबर लाइन जब भी आपने बनानी हो आपको एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने यहां पर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हुई है, और इसके दोनों तरफ पे एरो हेड्स हैं। यहां पे भी एक एरो हेड है और यहां पे भी एरो हेड है। तो आपने भी इसी तरीके की एक जो है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है और दोनों तरफ उसके एरो हेड डाल देना है। अब नंबर लाइन के हम दो पार्ट कर रहे होते हैं जनरली। एक पार्ट होता है जिसपे जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज लिखी जा रही होती है, एक पार्ट होता है जिसपे जस्ट नेगेटिव वैल्यूज लिखी जा रही होती है। तो अगर आप यहां पर देखें कि जीरो से लेकर यहां एंड तक राइट साइड पर जहां पर मैंने 8 लिखा हुआ है, जितनी भी आपको यहां पर नीचे वैल्यूज लिखी हुई नजर आ रही हैं, मार्किंग नजर आ रही हैं, वो सबके सब पॉजिटिव नंबर्स के साथ हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सबके सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। और जीरो के अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें यहां पर नेगेटिव 4 तक, तो जितने भी आपको यहाँ पे नंबर्स ये मार्किंग के तौर पे नजर आ रहे हैं, ये सबके सब क्या है, नेगेटिव नंबर्स। तो जनरली जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जीरो के राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लिखेंगे और जीरो के लेफ्ट साइड पे हमेशा नेगेटिव वैल्यूज लिखेंगे। यहां तक तो आपको बात क्लियर होगी होगी। अब मार्किंग्स करनी कैसी है, वो आपने करनी है अपने रूलर की मदद से। आप नीचे देख सकते हैं ये आपको रूलर का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। इस इमेज में देखें किस तरीके से आपके पास मार्किंग हुई भी है। जैसे देखें यहां पर जीरो लिखा हुआ है, यहां पर 1 लिखा हुआ है, और उसके दरमियान ये छोटी छोटी लाइन है जिसमें पहले लाइन को आप पढ़ते हैं 0.1, दूसरी को 0.2, अगली को 0.3, 0.4, और इसको आप पढ़ते हैं 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9, और 0.10 को हम बोलते हैं 1, यानी यहाँ पे आपके पास एक तरह की 10 लाइंस पूरी हो जाती हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे 1। इसी तरीके से आगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 1.10 एक तरह का क्या हो जाता है, इसको हम पढ़ते हैं 2। तो इसी तरीके से आप आगे भी फॉलो करते हैं। तो देखिए मैंने भी ऊपर जो नंबर लाइन बनाई है उसमें इसी तरीके से मैंने मार्किंग की है। पहले जीरो लिखा है, उसके दरमियान यहाँ पे ये 4 स्मॉल लाइंस, फिर थोड़ी सी बड़ी लाइन जिसको आप फिफ्थ लाइन बोलेंगे, और उसको पढ़ा जाएगा 0.5, फिर आगे 4 स्मॉल लाइंस यानी 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और ये फिर से एक बड़ी लाइन जो कि 0.10 यानी पूरा 1 हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए मैंने सारी मार्किंग्स यहाँ पे भी की हैं और सारी लेफ्ट साइड पे भी की हैं। तो जीरो के राइट साइड पे मैंने 8 वैल्यूज ली हैं और जीरो के लेफ्ट साइड पे आपने कहले मैंने मार्किंग के तौर पर नेगेटिव 4 तक मैं गया हूं। अब मुझे कितनी मार्किंग यहां पर करनी है, कितने नंबर यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर जो है लिखने होते हैं, मार्क करने होते हैं, वो डिसाइड करेगा आपका क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन में ज्यादा वैल्यूज हैं, बड़ी वैल्यूज हैं, तो उसी के लिहाज से आपको नंबर लाइन एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर छोटी वैल्यूज हैं, कम वैल्यूज हैं, तो उसी के लिहाज से एडजस्ट करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप नोटिस करें हमें जो यहां पे नंबर्स गिवन है उसमें सबसे बड़ा नंबर 7.3 है, यानी मेरे पास नंबर लाइन पे इतनी गुंजाइश तो होनी चाहिए कि मैं 7.3 को रिप्रेजेंट कर पाऊं। तो इसलिए आप देखें मैंने 8 तक जो है यहां पे मार्किंग की हुई है। और नेगेटिव नंबर में आप देखें तो मेरे पास नेगेटिव 3.8 है, यानी सबसे दूर मुझे नेगेटिव 3.8 तक जाना पड़ेगा। तो आप जीरो के लेफ्ट साइड पे देखें मैंने नेगेटिव 4 तक एहतियातन जो है यहाँ पे नंबर्स मार्क किए हैं, ताकि मैं इजीली 3.8 को मार्क कर पाऊं, क्योंकि नेगेटिव 4 से पहले ही कहीं ना कहीं नेगेटिव 3.8 आ जाएगा। इससे आगे मैंने नहीं लिखे क्योंकि इससे आगे कोई ऊपर कोई नंबर गिवन ही नहीं है जो मुझे इससे आगे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना पड़े। तो आपको जो नंबर्स गिवन होंगे आपने उन्हीं के लिहाज से यहां पर नंबर लाइन के ऊपर मार्किंग करनी है। अब जरूरी नहीं है, यह बात भी याद रखें, कि आप हमेशा नंबर लाइन में बीच में जीरो लिखें, राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव लिखें, नहीं। आप इसका कुछ हिस्सा भी बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ऐसे भी अगर बना लेता, लेट से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मैं दोनों तरफ इस तरह एरो हेड लगाता और मुझे जो है ना 4 से पीछे कोई भी नंबर्स नहीं चाहिए थे, लाइक 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, ये नहीं चाहिए होते फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करता, मैं जस्ट यहाँ पे 4 लिखता, 4 के राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी तो इसलिए बढ़ती जाएंगी वैल्यूज इस साइड पे। तो मैं इक्वल डिस्टेंस के बाद 5 लिखता, इक्वल डिस्टेंस के बाद 6 लिखता,
फिर 7 लिखता, फिर 8 लिखता, ये भी मेरी नंबर लाइन बिल्कुल ठीक थी। तो आप इसका कुछ हिस्सा भी बना सकते हैं, पूरा का पूरा हिस्सा भी बना सकते हैं। इसके दरमियान जो ये आपने स्पेस है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए। आपने हमेशा रूलर की मदद से हर दो मार्किंग के दरमियान स्पेस जो है एडजस्ट करनी है। किसी भी दो मार्किंग के दरमियान स्पेस जो है वो अनइवन नहीं होनी चाहिए, हर जगह स्पेस आपको एक जैसी नजर आनी चाहिए, और उसके लिए डेफिनेटली आपको रूलर की जरूरत पड़ेगी, ये आप याद रखिएगा। बाकी आप जो है स्केल बड़ा भी कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे अगर 5 चूज कर लूँ, उसके बाद 5 का गैप के लिहाज से लिख लूँ 10, फिर 5 के गैप के लिहाज से लिख लूँ 15, और बीच में जो स्पेस है उसी लिहाज से एडजस्ट करता रहूँ। इस तरह भी मुमकिन है, इस तरह भी नंबर लाइन जो है ठीक है। अब जनरली नंबर लाइन इस तरह फॉलो की जाती है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम इनको ढूंढ लेते हैं, बहुत आसान है। तो मैं ये कुछ वर्किंग जो है जो आपको मैं समझा चुका हूँ यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ताकि अब आपको इजीली समझ आ पाए कि हम इसको कैसे जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप नंबर्स को देखते जाएं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 5.6 को रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत इजी है। मैंने ये अपने फेयर गेस के साथ नंबर लाइन यहाँ पर जो है बनाई हुई है, तो हो सकता है आप उसको माइनर सा डिफरेंस इसमें थोड़ा सा आपको महसूस हो, लेकिन मैंने फेयर गेस से बनाई है, आपके पास रूलर मौजूद होगा इस तरीके से, तो आप रूलर की मदद से इजिली इसमें मार्किंग लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम 5.6 को ढूंढते हैं। तो देखिए 5.6 एक पॉजिटिव नंबर है, तो जाहिर बात है 0 के राइट साइड पर मिलेगा, और 5.6 जाहिर बात है 5 और 6 के कहीं ना कहीं दरमियान होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ जो छोटी छोटी लाइंस है, इन्हीं की मदद से आपको 5.6 मिलने वाला है। तो 5 के बाद जो पहली छोटी लाइन है ये वाली, तो इसको आप पढ़ेंगे 5.1, अगली को 5.2, फिर उससे अगली को 5.3, फिर उससे अगली को 5.4, फिर उससे अगली को 5.5, और उससे अगली छोटी लाइन जो है 5.6। यानी अगर मैं आपको यहां पे बता पाऊं, तो ये वाला जो आपके पास छोटी सी लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, 5.6 को। तो आपने इस तरीके से एक एरो हेड लगाकर इसके ऊपर 5.6 लिख देना है, ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया इस वाले डेसिमल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर। आगे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है -2.4, तो जाहिर बात है नेगेटिव नंबर है, 0 के लेफ्ट साइड पे मिलेगा, और -2.4 है तो -2 और 3 के कहीं दरमियान होगा। तो आप देखें यहाँ पर -2 है, तो -2 से आप फर्दर जो है आप कह लें एक तरह का लेफ्ट साइड पे जाएंगे, तो -2.1, -2.2 वगैरह आना शुरू होगा। तो -2 के बाद पहली स्मॉल लाइन जो है इसको आप पढ़ेंगे -2.1, फिर अगली को -2.2, फिर उससे अगली को -2.3, फिर उससे अगली को -2.4। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें, ये वाली जो आपके पास एक लाइन छोटी सी नजर आ रही है, ये रिप्रेजेंट करेगी -2.4 को। तो ये हमने -2.4 को रिप्रेजेंट कर लिया। अब आप देखें 7.32 को ढूंढना है, तो 7.3 एक पॉजिटिव नंबर है, 0 के राइट साइड पे मिलेगा, और जाहिर बात है 7.3 है तो 7 और 8 के कहीं दरमियान होगा। तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 से आप आगे बढ़ेंगे राइट साइड पे तो इंक्रीज करती जाएंगी वैल्यूज। तो पहली आप स्मॉल लाइन को पढ़ेंगे 7.1, अगली को 7.2, और उससे अगली को 7.3। तो ये वाली जो आपके पास लाइन होने वाली है, जिसकी तरफ मैं यहाँ पे एरो हेड लगा रहा हूँ, ये आपके पास क्या होगी, 7.3। तो ये मैंने 7.3 को भी ढूंढ लिया। अब इसी तरीके से आपने -3.8 को ढूंढना है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, 0 के लेफ्ट साइड पे होगी, और -3.8 है तो -3 और -4 के कहीं ना कहीं दरमियान में होगी। तो -3 से फर्दर आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे -4 की तरफ, तो आपके पास जो है -3.1, -3.2 आना शुरू होगा। तो -3 के बाद जो पहली स्मॉल लाइन है उसको आप पढ़ेंगे -3.1, फिर -3.2, फिर -3.3, फिर -3.4, फिर -3.5, यहाँ पे -3.6, -3.7, और यहां पर करके आपके पास आएगी -3.8। तो ये आपने ढूंढ लिया -3.8 को। तो अब आप देखें, हमने सारी वैल्यूज को जो कि डेसिमल वाली वैल्यूज थी, इस नंबर लाइन के ऊपर ढूंढ लिया। यही हमने रिप्रेजेंट करके दिखाना था इन डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। तो इस तरीके से आपने नंबर लाइन जो है बनानी है, उन पे मार्किंग करनी है। याद रखिएगा, हर दो नंबर्स के दरमियान जो स्पेस है वो एक जैसी रहनी चाहिए, लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर आपके पास हर दो नंबर्स के दरमियान स्पेस एक जैसी नहीं है, तो फिर आपकी नंबर लाइन सही मानी नहीं जाएगी। और आपके पास अगर वैल्यूज बड़ी हो, तो आप स्केल भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिस तरह ग्राफ में सेट किया जाता है कि आप जो नंबर्स हैं उनको लार्जर गैप्स के साथ लिख लें, ताकि आपके बड़े नंबर्स भी उनके ऊपर इजिली रिप्रेजेंट हो सकें। लेकिन उसके लिए भी आपको जो स्पेस है पहले खुद से सेट कर लेनी है, कि इतनी स्पेस छोड़ के मैं 10 काउंट करूंगा, या इतनी स्पेस छोड़ के मैं 5 यूनिट काउंट करूंगा, वो आपने देख लेना है। तो उम्मीद है आपको नंबर लाइन समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।